हेलो चो, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? हाँ जी, तो आप लोग आई होप अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, सब अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आज फाइनली कई दिन बाद मैं बीच में ही यूनिट के बीच में आपके पास फेस टू फेस होने आ गया, और कई दिन हो गए थे आपके पास पेपर बोर्ड में पढ़ाते हुए। वो एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसा ही था कि बोर्ड पे आना जरूरी था, अगर बोर्ड पे नहीं आते तो कहते ना मज़ा नहीं आता। तो आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इससे पहले का जो जितना मैंने पढ़ा रखा है वो सारा मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है सारा, और आज जो चीज़ चलने वाली है वो थोड़ी सी नई बातें होंगी। बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे कि भाई क्या करें, स्कूल में तो पीछे पड़े रहते हैं और सर अब तो ऑनलाइन भी चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं, तो किसी को भाई स्कूल की भी याद आती है, सर 20 दिन हो गए, महीना हो गया स्कूल में बैठे बैठे, अब क्या करें। तो भाई हम भी क्या कर सकते हैं, समय ऐसा चल रहा है, तो इस समय का थोड़ा सही सदुपयोग कर सकते हैं। अभी CBSE की भी कुछ मैंडेटरी आने वाली है, छोटे क्लासेस के लिए तो आ भी गई है, थोड़ा हो सकता है सिलेबस में आप लोगों एक्सचेंज करेंगे कुछ ना कुछ, या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करने वाले हैं। तो आई होप, क्योंकि टाइम देखो सबको ही उतना ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डाल रहे हैं या एक्स्ट्रा करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या पता यही सारी चीज़ें आ रही हो या पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। वो तो सारे भारत के लिए सेम है, जितना हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक बात है, पूरे हिंदुस्तान में जो भी CBSE से रिलेटेड है या किसी भी बोर्ड से रिलेटेड है वो उतना ही पढ़ेगा जितना उसको टाइम मिलेगा। तो ऐसा आपको सोचने वाली बात नहीं है, बस आप अपना प्रॉपर ढंग से अपना काम करिए और घबराओ मत। मतलब ये मत हो कि भाई पैनिक मत हो कि सर डेली डेली 10 10 वीडियो आ रही है, हम कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। आराम से कूल माइंड होके जब टाइम मिले जब पढ़ो आप, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि जितना समय आपको मिल रहा है ना उसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ताकि इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस ना कर किया जाए। तो पीछे हम लोग जो डिस्कस करके आ चुके थे वो सारी बातें ये डिस्कस करके आ चुके थे। हमारी यूनिट चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स जैसे आप सबको पता है कि रेट के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा था कि किसी रिएक्शन को होने में या कंप्लीट होने में किसी स्पीड यानी उसका रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, या किस तरह से वो आपके पास कंप्लीट होती है रिएक्शन, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, कौन कौन से नहीं, प्रेशर से लेकर टेम्परेचर, हम लोग सारी बातें वहाँ डिस्कस करके आ चुके थे। हाल फिलहाल अभी पीछे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन करके आ चुका था, 0 ऑर्डर क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर क्या होगा, nth ऑर्डर के लिए हम लोग बात करके आए थे, उसके हाफ लाइफ पीरियड निकाल के आए थे, और न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने किए होंगे इसके। तो अब जो हमें यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके पास क्या एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है किसका, रेट कांस्टेंट का। हालांकि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालेंगे, रेट लॉ भी निकालेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एक्सपेरिमेंटल, जनरली बहुत सारे टीचर मना कर देंगे कि केमिकल काइनेटिक्स एक्सपेरिमेंटल शो नहीं होती, ठीक है, वो भी जिनको नहीं पता होगा वही बात करेंगे, बाकी तो सिंपल सी बात है, सबको पता होता है एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लोग लैब में करते भी हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ करते हैं, आपको याद भी आ जाएगा कि लैब में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों जरूरत पड़ी कि भाई हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की, रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट बोले तो के, जो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर के लिए निकाल के आए, फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर आपके पास, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर तक के लिए हमने उसको डिटरमाइन किया। तो रेट कांस्टेंट को लिखना भी आपको आता है, डिटरमाइन करना भी आता है। अब यहाँ जो जिक्र हो रहा है कि हाँ एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन की बात हो रही है, किसकी, रेट कांस्टेंट की। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है कि जहाँ पर हमारे को स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना पड़ जाए, स्मॉल इंटरवल, मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि ये आपके पास प्रैक्टिकल वर्क में बहुत ज़्यादा यूजफुल है और हायर क्लासेस में ज़्यादा यूजफुल है। तो थोड़ा सा ध्यान देके सुनेंगे ना तो इजीली आपके पास, मतलब कहते हैं ना, आगे के लिए भी बढ़िया रहेगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ क्या है रेट कॉन्स्टेंट को लेके, कि जितने भी आपके पास जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, जो ए से आपके पास बी में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई भी रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग कई बार क्या कहते हैं कि भाई इसमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसका हम लोग कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डिटरमाइन करते हैं। तो मेरे को नहीं लगे या फिर उसके लिए रेट डिटरमाइन कर रहे हैं, तो सर हम उसके लिए कैसे रेट डिटरमाइन करें? तो
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो हो सकती है रिएक्शन आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, हमें नेचर थोड़ी ना पता भी कैसा है, फेस भी हम लोग उस वहाँ देख सकते हैं कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आई डोंट नो। यहाँ ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई आपके पास जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसका जो नेचर है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर हम लोग यहाँ तक बात कर सकते हैं कि भाई एसिडिक बेसिक, या फिर उसके कैटालिटिक प्रमोशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब रेट निकालने की बात की थी तो वहाँ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी। तो आपने वहाँ प्रेशर के बारे में पढ़ा था, आपने वहाँ वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, आपने वहाँ टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, आपने वहाँ कैटालिटिक प्रमोशन के बारे में पढ़ा था, यानी कहीं ना कहीं तो रोल प्ले करेंगे। अब वो कैसे रोल प्ले करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो रेट डिटरमाइन करना है हमारे को किसके लिए, कहता है रेट कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड से। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमने क्या किया है, यहाँ पे चार मेथड आपके पास डिस्कस किए हैं। पहला वॉल्यूमेट्रिक मेथड, दूसरा प्रेशर चेंज मेथड, तीसरा वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड, और चौथा आपके पास रेडियो एक्टिव डिके मेथड। इसमें से कुछ ऐसे मेथड है जो आपको लग भी रहे होंगे कि हमने पहले पढ़े हुए हैं, जैसे रेडियो एक्टिव डिकेड हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है रेडियो एक्टिव डिकेड हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पीछे डिटरमाइन किया था। अब यहाँ पर इनका कहाँ यूज है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सर अगर आप लोग रेट निकाल रहे हो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो हमारे को वहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहला मैं मेथड यूज करता हूँ आपके पास, वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज कर रहे हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या होता है, देखिए वॉल्यूमेट्रिक मेथड के लिए अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर जो मेथड यूज हो रहा है, जो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का जो मिक्सचर मिलेगा, उसका हमारे क्या करना है, स्मॉल इंटरवल के लिए आपके पास क्या निकालना है, रेट निकालना है। अब रेट डिटरमाइन करने के लिए, चलो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि हमारे पास क्या आ जाए, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का आप डिकम्पोज करो तो आपके पास क्या मिलेगा, H2O+ में आपके पास हाफ मोल ऑफ O2, राइट। ये आपके पास डिकम्पोजिशन है किसका, H2O2 का। अब अगर मेरे को स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में H2O2 का कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, और इसका स्मॉल इंटरवल टाइम में हमारे को रेट डिटरमाइन करना पड़ जाए, तो हाउ इज पॉसिबल, हम इसका रेट किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो इसके रेट के लिए हम लोग जो मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक मेथड होगा। जैसा आपने केमिकल काइनेटिक्स को अब थोड़ा सा साइड में रखते हैं और हम पहुंचते हैं लैब में, लैब में आपने अभी एक्सपेरिमेंट कर रखा है ताज़ा, आपको याद होगा हमने टाइट्रेशन किया था, और टाइट्रेशन किया था KMnO4 का। तो अब हम क्या करेंगे, हम H2O2 का रेट डिटरमाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, साथ में KMnO4 का। किसका डिटरमाइन कर रहे हैं आपके पास, H2O2 का डिटरमाइन करने के लिए हम लोग साथ में इक्विवेलेंट रख रहे हैं KMnO4। तो KMnO4 तो देखा हुआ है सबने लैब में, अब हम इसका आपके पास क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिटरमाइन करती है, और फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग इसका रेट लिख के भी आ चुके थे कि K इज इक्वल टू आपके पास 2.303 अपॉन में T लॉग A बाय A माइनस X, आप लोग यूज करके आ चुके थे। तो अब यहाँ पर अगर आपको डिटरमाइन करना पड़ जाए H2O2 का अकॉर्डिंग टू आपके पास KMnO4 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो सोचो आप क्या करोगे भाई, इसके लिए आप सोच सकते हो, तो आप सोच के बताओ मेरे पास क्या कर सकते हो इसके लिए भाई। इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने क्या रखी थी आपके पास, वही आप रख सकते हो भाई, टी टाइम जीरो के लिए अगर आपको याद हो तो इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने क्या रखी थी, ए रखा था, और इसके लिए क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था। जबकि आपके पास आफ्टर टाइम टी के लिए आपने क्या रखा था, तो हमने रखा था ए माइनस एक्स, और इसके लिए क्या कर दिया आपने कि भैया एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, याद है भाई, उसी चीज़ को तो हम लोग यूज़ करेंगे आपके पास। तो ए माइनस एक्स और एक्स आपके पास यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता है कि भाई अगर आप लोग इनको यूज़ कर रहे हो कि भाई एक टर्म्स के लिए आप ए यूज़ कर रहे थे, एक टर्म्स के लिए इनके लिए, प्रोडक्ट आपके पास कुछ बने हम लोग उसके बाद में देखेंगे, अगर इनका टर्म्स यूज करते हो तो आपको पता है कि हम लोग अगर ए नॉट के लिए बात करेंगे तो हम लोग इसको क्या रखेंगे, वी नॉट, और इसको रख देंगे क्या, वी टी। तो जो मॉडिफिकेशन आएगा मेरा, जो अगर हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं किसका, इसी का, तो जहां आप लोग क्या रख रहे थे ए बाई ए माइनस एक्स रख रहे थे ना, वहां आप लोग क्या रखोगे आपके पास, वी अपॉन में वी टी रखोगे, ठीक है। तो वी अपॉन में वी टी आपके पास क्या होगा, ये इनिशियल वॉल्यूम होगा और आफ्टर टी टाइम बाद उसका वॉल्यूम। तो आपने जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया था तो आपको याद होगा जब हम लोग वहाँ कंसंट्रेशन लेते थे KMnO4 का ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी किया था आपने, KMnO4 का आपके पास
मोर साल्ट के साथ भी किया था आपने, तो वहां पर आप लोग क्या करते थे कि कंसंट्रेशन स्मॉल अमाउंट लेते थे। पिपेट में आपके पास क्या होता था कि MnO4 होता था, ड्रॉप वाइज आप डालते थे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, याद है ना। और फिर वहां पर आपके पास पिंक कलर आता था, तो वो डाटा यहाँ का है, वो बस समझ में आ गई। और वो एक्सपेरिमेंट है भी यहाँ का, तो हम लोग यहाँ उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो जिनका मैं आपने नाम दे रहा हूँ, चाहे मोर साल्ट हो, चाहे ऑक्सैलिक एसिड की बात हो, वो सारा यहाँ का डाटा है। हालांकि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले भी यूज कर सकते थे, डायरेक्ट मैं आपके पास फॉर्मूला लिख देता कि भाई आप अगर इनकी बात कर रहे हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो कि सर हमने वहां रखा था क्या के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी, और लोग क्या लिखा था ए बाई ए माइनस एक्स। तो अगर मैं इसी को हटा के, क्योंकि ए मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम को, तो मैं क्या रख सकता हूँ बी नॉट, और इसको रख सकता हूँ बी टी। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, के डिटरमाइन करने के लिए हो जाएगा आपके पास, किसी भी आपके पास स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जो कंसंट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए, हम लोग जो रेट डिफाइन कर रहे हैं कि रेट, अगर रेट कांस्टेंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट निकालेंगे, के निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो 2.303 अपॉन में टी लॉग वी टी अपॉन में सॉरी वी आर नॉट अपॉन में वी टी, ये आप लोग लेके चलोगे, ठीक है। ये स्पेशल है किसके लिए, H2O2 रिएक्शन के लिए, जबकि आपको पता है कि H2O2 रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप इजीली इस पे ध्यान दे सकते हो। तो ये आपको क्या करना है, ये नोट करना, ध्यान रखना अच्छे से, ये चीज कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगी, जनरल भी काम आएगी, तो आप लेके चलोगे साथ में। आपसे कोई पूछ ले एक्सपेरिमेंटल रेट डिटरमिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, बोले यस सर हमें याद है, कौन कौन से है, तो चार है, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर चेंज, वॉल्यूम मेजरमेंट एंड रेडियो एक्टिव डिकेड। बिल्कुल स्पीडली आपको पता होना चाहिए क्या रेट डिटरमिनेशन है, यानी एक्सपेरिमेंटल रेट डिटरमिनेशन है। एक्सपेरिमेंटल आप रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल, बार बार मैं एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग जो लैब में आपके पास KMnO4 के साथ H2O2 का यूज करेंगे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वही आपने थोड़ा सा लिया कंसंट्रेशन, फिर स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए कुछ ड्रॉप डाले, फिर देखा उसका रेट आपके पास क्या आएगा, उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो वॉल्यूम आपके पास जब इनिशियली लिया तो क्या होगा, आफ्टर टी टाइम बाद तब क्या था उसका, वहां आपके पास टाइम मिल जाएगा, और ड्रॉप लेके आप नहीं डालते उसमें, एक 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 ड्रॉप 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 यूज करते हो, और ड्रॉप वाइज आप लेते हो, तो आपके पास इनिशियल वॉल्यूम जो भी होगा फाइनल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, टाइम इंटरवल आपको पता लग जाएगा। आपको याद होगा जब भी हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि भाई ये जो आप लोग वॉल इसकी ओपन कर रहे हो ये स्लोली ओपन करो। आप लोग क्या करते हो, उसको धड़ाधड़ा ओपन किया, सर कलर आ गया, सर हमारा पिंक कलर आ गया सर, कुछ तो पानी मिला के भी ले आते हैं, अब बताओ उसका क्या कर सकते हैं। फिर बोलेंगे जी हम कैसे रेट निकाले, कैसे रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करें, तो ये रेट कांस्टेंट वहां का हिसाब किताब आपको बताता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो चीजें देखो इंटरेस्टिंग है अगर करो तो, क्योंकि आगे जाके हम लोग जब MSc वगैरह करते हैं या BSc वगैरह में जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, 95% लेके 98% लेके बात करेंगे, सर हमें तो ये भी नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं। अगर वो पूछ लेगा ना एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन में या एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, सब गोल, पता ही नहीं है कि कहाँ से करेंगे कहाँ से नहीं करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड में सबसे पहला पार्ट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, क्लियर है, बताइए बस समझ में आ गई। तो इसको पूरा नोट करना है, ये नहीं है आपको पता होना चाहिए, आप खुद आइडेंटिफाई कर सको, इसीलिए मैंने आपके पास पूरे एक कन्फर्मेशन लिया है कि भाई आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है क्या। या अगर मैं आपके पास दूसरा पॉइंट अगर लिखूंगा, पहले तो ये नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आपके पास दूसरा पॉइंट बताता हूँ, ये नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर करके आपके पास दो तीन बार में इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, बस समझ में आ गई। फिर आगे चलोगे आपके पास नेक्स्ट जो लिख रखा है इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। अब जो नेक्स्ट हेडिंग बना रखी है वो बना रखी है आपके पास क्या, सपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, क्या लिख रखा है, सपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो अब मैं क्या ले रहा हूं, इथाइल एसीटेट ले रहा हूं, दिस इज इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट है, इसका सपोनिफिकेशन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या मिला भाई CH3CO, यहाँ Na मिल जाएगा CH3, यहाँ पर CH2 OH मिल जाएगा, यानी एक तरफ अल्कोहल और एक तरफ आपके पास क्या मिल जाएगा, मेरे पास सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ नहीं है बट सिंपल सी बात है, सपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, कोई पूछ ले सर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, पढ़ा तो 9th-10th में खूब पढ़ रखा आपने सपोनिफिकेशन क्या होता है, याद रखना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, कुछ नहीं सोचना इसके बारे में, सीधा लिख दो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है सर सपोनिफिकेशन ऑफ
यानी सपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसिटेट। तो इथाइल एसिटेट की अगर बात कर रहे हो, सपोनिफिकेशन कर रहे हो उसका, तो आपको पता होना चाहिए सर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे यही पता लग गया ऑर्डर जब रिएक्शन उसका क्या है, तो रेट और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास रेट कॉन्स्टेंट, तो मैं किसी तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ या किसी तरह से उसको मेजर कर सकता हूँ। तो इसके लिए अगर आप रखना चाहते हो कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रखो, आप ए रखो, बी रखो, सी रखो, जो भी आपकी चॉइस है आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास आफ्टर टाइम टी, यानी आपके पास इनिशियल अगर टाइम जीरो था, तो मेरे पास क्या रख रहे थे, इसको ए रख लो चाहे इसको बी रख लो, तुम्हारी मर्जी है, ये तो जीरो होगी। और अगर आपके पास आफ्टर टी टाइम, तो टी टाइम में आपके पास क्या होगा, जो हमारे पास टी टाइम जो है आपके पास, जो भी हम लोग वहाँ वॉल्यूम डिफाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपके पास पता होना चाहिए आप लोग उसको क्या मेजर कर रहे हो। चाहे आप उसको ए माइनस एक्स रखते हो, चाहे ए माइनस बी रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास ये बी माइनस एक्स रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए भी मेरे पास वी टी क्या है और वी नॉट क्या है। तो यहाँ से तो मेरे पास वी नॉट आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, चाहे ए माइनस एक्स रखो चाहे बी माइनस एक्स रखो, तो ये मेरे पास किसको डिफाइन करेगा। तो ये आपके पास डिफाइन कर सकता है किसको, कि अगर सर ये आप लेके चल रहे हो, तो ये तो किसको डिफाइन कर देगा, वी टी को, और ये किसको डिफाइन कर देगा आपके पास, वी नॉट को। तो सिंपल सी बात है, सेकेंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन आपको पता है, वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आप स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे, तो पहली बात तो रिएक्शन की शक्ल देख के ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। इसलिए बार 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 आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जिक्र किया जा रहा है, ताकि आप रेट निकालते समय गलती ना करो। रेट निकालते समय आपको पता होना चाहिए कि हम रेट कॉन्स्टेंट सेकेंड ऑर्डर का फाइंड कर रहे हैं, ना कि अब आप लोग के वन लिखोगे, क्योंकि K आपने इनिशियली पढ़ा, तो इनिशियली आपने क्या लिखा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log A by A minus X। अब यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 by T, बताओ आगे भाई 1 by T लिखोगे, तो 1 by T के आगे क्या लिखोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए सर आप बात कर रहे हो 1 by VT और 1 by V not, वही आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हो गई। अब यहाँ बात हो रही है किसकी, उस वॉल्यूम की, वो जो आप अमाउंट उस फनल के अंदर या सॉरी आपके पास बीकर के अंदर आप लेके चल रहे हो, वो आपके पास कितना अमाउंट आपके पास यूज किया है, कि उस फनल के अंदर आपके पास कितना अमाउंट आपके पास आया था, उस बीकर के अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपके पास कितना अमाउंट था, उस वॉल्यूम, वो वॉल्यूम आपके पास कितना था, तो आप ऑटोमेटिक रेट कॉन्स्टेंट बता सकते हो किसका, सेकेंड ऑर्डर का। बस समझ में आ गई, बोलिए। तो अगर आपको ये पता है, तो आप ऑटोमेटिक किसी भी स्मॉल इंटरवल या किसी भी आपके पास स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसके कंसंट्रेशन का रेट कॉन्स्टेंट आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब, मैं इसको एक्सपेरिमेंट से बार बार इसलिए जोड़ रहा हूँ, ताकि आप कह सको किसी को कि हाँ सर हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा है और मैथमेटिकल भी देखा है। हालांकि किताब में इसको कोई छेड़ता नहीं है, ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देता, कह देते ठीक है कर लेना, क्योंकि इस पे ना सीबीएसई का भी क्वेश्चन देती नहीं है जनरली, आज देती भी है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज नहीं तो आगे भाई साइंस से छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि कहते हैं, कहीं कहते हैं कि हम तो पीएमटी नहीं करेंगे, हम तो आईआईटी नहीं करेंगे। भाई मत करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे, आगे बीएससी तो करोगे, वहाँ पूछ लेंगे वो, तो वहाँ भी पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ नहीं आएगी, आगे आएगी तभी बताया जा रहा है आपसे। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। क्या दे रखा है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब फिर यहाँ पर इथाइल एसीटेट का जिक्र हो रहा है, किसके लिए, एसिड हाइड्रोलिसिस, इसको मिटाता हूँ और इथाइल एसीटेट के बारे में लिखता हूँ। देखो ये अभी चल रहा है क्या, सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो एसिड हाइड्रोलिसिस क्या करें इथाइल एसीटेट का, तो इथाइल एसीटेट हो गया CH3CO C2H5, इसका हाइड्रोलिसिस कर देना आपको S2 ओ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या देगा आपके पास CH3COOH और प्लस में CH3CH2OH, ठीक है। क्या कर दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया आपके पास इथाइल एसीटेट का। तो इसका जनरली मैं डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, वही वाले टर्म्स है जिसमें पीछे आपने पढ़ के आए थे, वही आपके पास सर कि भाई सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग जनरली फर्स्ट ऑर्डर की ही बात करेंगे। पर यहाँ पर आपके पास जो जिक्र होगा ना, वो आपके पास क्या होगा, जो भी यहाँ पर आपके पास आने वाला है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करोगे, तो मॉडिफिकेशन हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ रेट कांस्टेंट का, तो उस के की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी। तो उस के की वैल्यू के लिए अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता है कि K1 तो आपके पास 2.303 था, और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आपके पास सर इनिशियल रेट मेरे पास क्या होगा जब टाइम जीरो होगा, और आफ्टर टी टाइम बाद क्या होगा, और अगर हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स के ले लें,
भाई इनिशियल टाइम अगर आप रखते हो जीरो तो हम लोग मान लेंगे चलो इसको ए रख लेंगे, और आफ्टर टी टाइम अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग इसको क्या रख लेंगे, जो वॉल्यूम होगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा आपके पास ए माइनस एक्स हो जाएगा, और अगर मैं इनफाइनाइट टाइम के लिए ले लूँ तो ए माइनस ए हो जाएगा। हम लोग नहीं देते भाई इनफाइनाइट टाइम के लिए, भाई वो रीडिंग तो आती रहेगी, उस पीरियड के भरते रहो, सॉल्यूशन डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, रीडिंग आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। पर हमारे पास क्या चाहिए, हमारे को तो उसका रेट कांस्टेंट चाहिए, तो रेट कांस्टेंट तो डिफाइन करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए इनफाइनाइट टाइम के लिए आपके पास क्या आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ए माइनस ए लिखा है, ध्यान रखना। तो ये बात तो हम लोग पहले से जानते हैं कि भाई टी टाइम जीरो हो तो क्या होगा आपके पास, इनिशियल टाइम जो सही आफ्टर टाइम टी के बाद क्या होगा, और अगर इनफाइनाइट टाइम है तो आपके पास क्या होगा, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा आपके पास। मॉडिफिकेशन आप बुक से भी इसको चैलेंज कर सकते हो, आपको मिल भी जाएगा, अगर आपको ये समझ में आता है तो इजीली आपके पास मॉडिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log a बाय a माइनस x। तो ये तुम्हारे लिए दे देता हूँ, तुम इसको सॉल्व करके इसका डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख सकते हो। तो आई होप आप इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट लिखोगे कि सर इसका रिजल्ट आपके पास क्या आने वाला है। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो इसका रिजल्ट मैं आपके पास लिख देता हूँ, आप मेरे को बता देना ये कहाँ से आया, 2.303 टी लॉग आपके पास इसमें आ जाएगा आपके पास वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट और वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, ठीक है। ये वॉल्यूम होगा एट इनफाइनाइट, यानी वही फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपके पास वही फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा, ये सिर्फ किसके लिए स्पेशल है, किसके लिए कहता है कि आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका आपके पास एस्टर का इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये वर्ड जो है ये आपको याद रखने हैं कि सर हमने कहाँ यूज़ किए थे, तो मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात की, तो हमने वहाँ तीन टर्म्स पढ़े, पहला टर्म्स हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, दूसरा टर्म्स हमने पढ़ा क्या आपके पास कि सर आपके पास सपोनिफिकेशन था किसका, इथाइल एसीटेट का, और चौथा आपके पास तीसरा आपके पास क्या आया कि सर आपके पास हाइड्रोलिसिस है किसका, इथाइल एसीटेट का। तो ये तीनों टर्म्स आपको याद रखने हैं जो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक मेथड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए इसका रेट लिख सकते हैं। तो जनरल आप सिर्फ फार्मूला भी याद रख सकते हो, मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन अगर हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है तो ऑब्वियस सी बात है के निकालते हुए हमें टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा, आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर ढंग से इसको सुनेंगे, प्रॉपर ढंग से इसको करेंगे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट रिजल्ट तो याद रखेंगे, आपके एक आधे न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे, हर बुक में दे रखे हैं, तो बहुत कम बच्चे हैं जो उसको करते हैं, आई होप आप लोग इसको करोगे। तो आगे अगर हम चलते हैं तो आपके पास देखो क्या आता है नेक्स्ट, आपके पास जो टर्म्स ले रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक मेथड के बाद, तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड के बाद हम लोग जो टर्म्स मैंने नोट कर रखा है वो नोट कर रखा है प्रेशर चेंज मेथड का। तो प्रेशर चेंज मेथड हम लोग कहाँ पढ़ के आए थे, तो प्रेशर चेंज मेथड तो आप लोग जानते हो, मैंने पीछे से क्वेश्चंस भी किए हैं, हमने आपके पास कोई ए रिएक्टेंट लिया था, यानी आपके पास वहाँ पर कोई BC उसका प्रोडक्ट मिल रहा था, ये सारे टर्म्स आपके पास गैसियस में थे, याद है, बोलिए आप कोई भी टर्म्स ले सकते हो, आपको याद भी करा दूंगा अभी। तो इसका प्रेशर आपने लिया था इनिशियली क्या लिया था, P0 लिया था, ठीक है, और ये क्या था 0 0, फिर आपने कहा था सर पी नॉट में से कुछ रिड्यूस होगा, तो हमने उसको पी रखा था, तो ये भी पी था और ये भी पी। तो हमने कहा कि आपके पास इनिशियल टाइम था जो आपके पास जीरो था, तो आपके पास क्या था इनिशियल प्रेशर पी नॉट, आफ्टर टाइम टी आपके पास क्या हो गया पी में से कुछ घट गया, हमें नहीं पता कितना घटा क्या घटा, हमने तो पी मान लिया। तो आपने कहा सर वहाँ टोटल प्रेशर आपके पास क्या होगा, तो आपने जब निकाला था तो पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, तो P से P कैंसिल, तो ये PT आपके पास टोटल प्रेशर था जो डिफाइन करके आपके पास क्या आया था ये आया था, और आपने जब यहाँ से P की वैल्यू निकाली थी तो PT माइनस क्या था आपके पास P0 था, ठीक है। ये आप लोग वहाँ से हम लोग वहाँ से डिस्कस करके आ चुके थे कि भाई अगर हम लोग इसको P निकाल लेते सीधा, तो आपके पास यहाँ से टोटल प्रेशर जब हम लोग यहाँ निकाल रहे थे तो आपको याद होगा इसी टर्म्स को हमने किसके साथ जोड़ा था, हमने इसको जब लिया था तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ जोड़ा था, और कहा था आपके पास 2.303 अपॉन में टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। तो ए को कंसंट्रेशन क्या माना था, इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे पी नॉट माना था, और दूसरे को क्या लिखा था आपके पास ए माइनस एक्स लिखा था, तो हमें ए माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए थी, और आप लोग ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ए माइनस एक्स की वैल्यू भी हम लोग लेके चले थे जहाँ आपने डिफाइन किया था कि भाई अगर मैं इसको मॉडिफाई कर लूँ तो के इज इक्वल टू आपके पास 2.303 अपॉन में टी लॉग आपके पास क्या आया था, तो आपने कहा था पी नॉट
टू पी नॉट माइनस पी टी, ये हम लोग लेके चल रहे थे वहाँ पे, याद है, टू पी नॉट माइनस पी टी। तो आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई आपके पास कहते हैं इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजिली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हम लोग करके आ चुके हैं। आपने रिएक्शन भी अगर आपको आइडेंटिफाई कराऊँ तो आपने एक रिएक्शन की थी N2O5 है, इसके न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। डिकम्पोज करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ N2O4 और प्लस में 1 मोल्स ऑफ O2 ये मिलता है, जिसका आपने रखा था इनिशियल प्रेशर आपके पास क्या होगा, टी नॉट होगा। तो इसके लिए हमने क्या रखा था, इसको 0 0 रखा था। फिर आफ्टर टी टाइम तो आपने कहा था कि सर पी नॉट में से क्या रिड्यूस हो जाएगा, पी, तो ये 2P0 रखा, पी रखा था और ये पी रखा था, आपको याद है। तो इससे भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो ऐसे आपके पास काफ़ी रिएक्शंस मिलेंगे जहाँ पर आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपके पास ये दे दिया, आपके पास एक मिलेगा, आपके पास एसीटोन का डिकम्पोजिशन कर दो, किया एसीटोन जो है, एसीटोन तो सुना होगा, ये एसीटोन है, इसका डिकम्पोजिशन कर दो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में आपके पास। तो इन रिएक्शंस के लिए भी, ये भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, तो इन रिएक्शंस के लिए भी हम लोग क्या रख सकते हैं, प्रेशर की टर्म्स में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेशर चेंज मेथड। और प्रेशर चेंज मेथड में आपको याद होगा आपके पास एक टर्म्स और दे रखी है, कौन सी, कि वहाँ डिफाइन करे तो हमने उसका यूज़ किया था SO2Cl2 का, ठीक है, आपके पास क्या था, थायनाइल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, आपका हाँ थायनाइल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कर दो, वो भी आपके पास एक टर्म्स था, किस मेथड के लिए, प्रेशर चेंज मेथड के लिए। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बता देता हूँ कि इस मेथड से CBSE एक क्वेश्चन जरूर देती है, तो आप करो तो इस मेथड से जरूर एक क्वेश्चन करना। NCERT में 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसके, और आपके पास कॉम्पिटिटिव में भी 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा जब इसमें कॉम्पिटिटिव में आऊँगा, तो मैं वहाँ बताऊँगा आपके पास कि कौन से क्वेश्चन आ चुके थे, कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। फिर आपके पास सेकंड थिंग इसमें आता है क्या, वॉल्यूम मेजरमेंट। अब वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड जो है वो किसके लिए है, वो भी गैसेस सब्सटेंस के लिए है जो आपके पास क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो, याद रहेगा, गैसेस सब्सटेंस के लिए वो आपके पास क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो। उसके लिए देखिए हम क्या लिखते हैं, तो आई होप इन चीज़ों का आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आपके पास वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड। अब वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड में आप क्या लेके चलोगे, तो हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे N2O5 को लेके चलते हैं, वही गैसेस फॉर्म में है, डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, कि NO2 दिखा दो चाहे N2O4 दिखा दो, वो आपकी चॉइस होगी। अगर आप NO2 दिखाते हो तो आपके पास यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 4 मोल हो जाएगा, ये 1/2 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ 2 मोल्स, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इंडिविजुअल दिखाना हो तो इंडिविजुअल भी आप इसको बैलेंसिंग तो कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कंसंट्रेशन की बात आ रही है, आप सबको दिख रहा है कि भाई आपके पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो रेट कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर टाइम जीरो है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेके चलेंगे, ए लेके चलेंगे। तो टाइम जीरो है तो अगर आप ए लेके चल रहे हो तो आपको पता है आफ्टर टी टाइम, भाई आपके पास आफ्टर टी टाइम आपके पास क्या हो सकता है, ए माइनस एक्स। और अगर मैं यहाँ टाइम जीरो है, यहाँ टी है और यहाँ इनफाइनाइट है, तो ए माइनस क्या रख सकते हैं, वही ए लेके चलेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसके लिए जीरो जीरो, इसको रखेंगे तो आपके पास फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास वैल्यू को फाइंड आउट करने में इतना मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आप इसको ऐसे रखना चाहते हो ना, सर इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, यहाँ 2 ही रख लेते हैं, अब ठीक है, ठीक है, N2 ये 2 मोल रख लो, ठीक है, अब ठीक है, तो इतना रख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप रखते हो तो सर ये ए है इनिशियल कंसंट्रेशन 0 0, ए में से आफ्टर टी टाइम, तो आपको पता है कि ए में से क्या घटेगा, ए माइनस एक्स, तो इसको आप लोग क्या रखोगे, एक्स रखोगे, इसको एक्स बाय 2 रखोगे। और जबकि आप इनफाइनाइट टाइम के लिए लेके चल रहे हो तो वही आपके पास क्या रख दोगे, इसको ए रखोगे और इसको क्या रख दोगे, ए बाय 2 रख दोगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किनको, कि सर अगर न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना हो तो हम लोग किस तरह से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ आपके पास, आप लोग इसको ऑब्जर्व कर लेना कि सर डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास क्या आएंगे। तो डायरेक्ट रिजल्ट में कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, आपको ये तो पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 2.303 अपॉन में टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, तो इसको सिर्फ चेंज करना है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो, इनफाइनाइट टाइम के लिए वॉल्यूम क्या होगा और इनिशियल टाइम के लिए वॉल्यूम क्या होगा। तो जो के है मेरे पास वो आपके पास 2.303 और टी, ये आपके पास क्या हो जाएगा लॉग,
अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे पास ए क्या आएगा, तो ए आपको पता है कि भाई आपके पास वॉल्यूम है, अगर ये बैलेंस करके चलोगे तो मेरे पास क्या मिलेगा आपके पास, तो टू वी नॉट और टू वी नॉट माइनस वी टी। तो वॉल्यूम इनफाइनाइट के लिए क्या है, वॉल्यूम टी के लिए क्या है, टी टाइम के लिए क्या है, यानी वही आपके पास इनिशियल फाइनल सबको कंबाइन करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो और रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हो कि रेट कांस्टेंट इसका ये होगा। ठीक है, तो मैंने आपको फिर बताया बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप रिजल्ट पे फोकस करोगे, इस मेथड पे फोकस करोगे ताकि आप उसको लिख सको, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने बार बार इसी मेथड का जिक्र किया है। तो यहाँ मुझे पता लग जाएगा कि वाले वी टी के लिए ले रहा हूँ, किसके लिए ले रहा हूँ, आपके पास वी नॉट के लिए ले रहा हूँ, तो मुझे पता लग गया कि भाई आपके पास यहाँ टाइम जीरो था, यहाँ आपके पास वी टी वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं, तो वी नॉट हो गया, ये आपके पास वी टी हो गया, और यह क्या हो जाएगा आपके पास वी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को आइडेंटिफाई करके चलो, कोई पूछ ले तो सर एटलीस्ट पता तो है, बता तो सकते हो, बस समझ में आ गई। तो ये सिर्फ किसके लिए चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है रेट कॉन्स्टेंट के लिए, जो हम लोग के की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब आप लास्ट जो आपके पास आता है वो क्या आता है, रेडियो एक्टिव डिकेड। तो रेडियो एक्टिव डिकेड तो देखो हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ रखा है, तो रेडियो एक्टिव डिकेड में आपने क्या पढ़ा था आपको याद होगा, तो अगर मैं इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट लिखूं तो आपने पढ़ा था कि n इज इक्वल टू n नॉट, ये आपके पास था n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर लैम्डा r अपॉन में आपके पास क्या था बताइए, तो आप लोग इसको ना थोड़ा सोच के चला करो, सॉरी अपॉन में इनटू में क्या था आपके पास t। तो ये मेरे पास जो रिजल्ट था, हमने आपके पास रेडियो एक्टिव डिकेड के बारे में बात की थी, तो आपने कहा था वहां पर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में या रेडियो एक्टिव डिकेड के बारे में हाफ लाइफ निकाला था, जिसको आपने टो से या सॉरी एवरेज लाइफ निकाला था, जो आपके पास क्या था टो इज इक्वल टू 1.44 इनटू में टी हाफ था। तो इनके रिजल्ट आप लोग यूज करके आ चुके हैं, जो अभी हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं कि सर अगर रेट निकालना हो, रेट कॉन्स्टेंट डिफाइन करना हो, तो हमने इसका रिजल्ट का इस्तेमाल किया था रेट कॉन्स्टेंट निकालने के लिए, और आपने इसका एक सुंदर सा फॉर्मूला मॉडिफिकेशन बनाया था, जो आपके पास क्या था वही फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोग निकाल सकते थे इजीली। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने इसको मॉडिफाई करके कुछ ऐसा लिखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास 2.303 अपॉन में टी लॉग एन अपॉन में एन नॉट आपके पास लेके चले थे, तो सॉरी आपके पास एन नॉट अपॉन में एन लेके चले थे, तो ये आप थोड़ा सा अंदाजा से कर सकते थे। तो हमने क्या पढ़े, हमने यहाँ चार मेथड के बारे में डिस्कस किए हैं, इस मेथड का जो नॉर्मली फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप फिजिक्स में भी हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसी में वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन, उसका रेट कांस्टेंट, उसकी एवरेज लाइफ निकालने के लिए इनको डिफाइन किया जाता है। तो आप फिजिक्स में भी इसको दोबारा पढ़ोगे, केमिस्ट्री में ज़्यादा इतना यूज़ नहीं है, इसको कार्बन डेटिंग में ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन के बारे में बात करे थे, रेट कांस्टेंट के बारे में, चार मेथड के बारे में वहाँ डिस्कस किया। सबसे पहला मेथड आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस था, फिर आपने पढ़ा कि सर आपके पास जो प्रेशर मेजरमेंट है वो उसका क्या होगा, या वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड का क्या है, लास्ट आपके पास रेडियो एक्टिव डिकेड था। तो रेडियो एक्टिव डिकेड के बारे में ज़्यादा डिफाइन कर नहीं रहा, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में, ज़्यादा अगर आपको रखना हो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो आपको पता है कि अल्फा बीटा आपके पास पार्टिकल की बात करते हैं, आपके पास गामा रेडिएशन की बात करते हैं, या आर्टिफिशियल जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे तो उसमें आपके पास बॉम्बार्डमेंट होती थी किसकी, ठीक है, तो उनके उनसे जो आपके पास एलिमेंट बन रहे थे तो वो रेडियो एक्टिव डिकेड की बात हो रही थी। तो यहाँ से कार्बन डिकेड, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, किसी की बायोलॉजिकल जो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो वहाँ यूज़ होता है। तो आप लोग क्या करना है, इन चारों को अच्छे से टैली करना है, अगर इनके कोई न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करना है, सारे रिजल्ट आपको 100% याद होने चाहिए, आई होप आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।